तो पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड्स कुड बी अ वे टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स इफ द एसोसिएटेड रिस्क्स आर मैनेजेबल। पर क्या आपको ये पता था कि आप म्यूचुअल फंड्स की एक पर्टिकुलर कैटेगरी के थ्रू टैक्स भी बचा सकते हो, यानी कि एक तीर से दो निशाने। कैसे? थ्रू इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, जिसे हम प्यार से कहते हैं ELSS। तो आखिर ये ELSS है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं और ये कैसे आपको एक तीर से दो निशाने लगाने में मदद करता है, मैं आपको आज ये सब कुछ बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स का फंडा सीरीज जरूर देखिए, और एक भी वीडियो मिस ना करने के लिए हमारे नावी यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। An ELSS is a kind of mutual fund scheme जो कि अपना maximum investment equity या equity related instruments में करता है। मतलब आप अगर ELSS में invest करते हैं तो आप अपना पैसा equities में डाल रहे हैं। अब ये तो हो गई definition, पर क्या आपको ये पता है कि ELSS की सबसे खास बात क्या है? ELSS एक लौता ऐसा mutual fund category है जिसमें आप Income Tax Act 1961 के section 80C के अंदर tax deduction benefits claim कर सकते हैं। पर हाँ, ELSS investments come with a minimum lock-in period of 3 years, यानी कि आप अपना पैसा 3 साल तक नहीं निकाल सकते from the date of investment। इसके बारे में detail में आगे बात करते हैं। क्या आपको याद है हर साल जनवरी से मार्च के महीने में क्या होता है? मैं स्प्रिंग सीजन की बात नहीं कर रही, इन्वेस्टमेंट सीजन की बात कर रही हूँ। कुछ याद आया? हाँ, वही। हर साल लोग जनवरी से मार्च के बीच में टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने में जुट जाते हैं, बट उन्हें ये नहीं समझ आता कि इन्वेस्ट करें तो करें कहाँ। तो भाई ELSS है ना? ELSS में इन्वेस्टमेंट आपको अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करने में मदद करता है, क्योंकि द इन्वेस्टेड अमाउंट क्वालिफाइज फॉर टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 80C। ELSS से आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख तक के इन्वेस्टेड अमाउंट पर टैक्स डिडक्शन बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपने दूसरे ATC टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि PPF, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, टैक्स सेविंग FDs etc. में इन्वेस्ट नहीं किया है, या फिर उनका टोटल एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इज लेस देन 1.5 लाख, तो ELSS माइट हेल्प यू टू रिड्यूस योर टैक्स आउटगो और सेक्शन 80C के टैक्स डिडक्शन बेनिफिट्स का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो ELSS से आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं और 1.5 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं। अब आप बोलेंगे बस इतना ही? नहीं, ELSS के और भी फायदे हैं, चलिए इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ELSS का इन्वेस्टमेंट इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, इसीलिए लॉन्ग रन में ये आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है कंपेयर टू फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स। पर ध्यान रहे, मार्केट लिंक्ड होने की वजह से ELSS फंड्स कुड कैरी मॉडरेट टू वेरी हाई रिस्क, इसलिए इनमें सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। बिफोर इन्वेस्टिंग आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर को भी कंसल्ट करें। मोर ऑन दिस अ बिट लेटर। अब लॉक इन पीरियड की बात करते हैं। ELSS में मिनिमम 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि आप 3 साल से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते। अब सोचिए 3 साल बहुत ज्यादा लग रहे हैं ना, बट मजे की बात मैं अब बताती हूँ। क्या आपको पता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है, जबकि टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में ये एटलीस्ट 5 साल तक का होता है। सो इट्स नॉट दैट बैड, इज इट? ELSS का लॉक इन पीरियड इज एक्चुअली वन ऑफ द शॉर्टेस्ट कंपेयर टू अदर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। ELSS में आप अपने घर या ऑफिस में बैठकर अपने चहेते लैपटॉप या उससे भी अजीज आपके स्मार्टफोन की मदद से कुछ ही मिनटों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल कई सारे ऐप्स आ गए हैं जिससे कि आप काफी आसानी से ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ऑल यू नीड टू डू इज विजिट द वेबसाइट और मोबाइल ऐप ऑफ योर चोजन ELSS फंड हाउस और एग्रीगेटर, जहां आप डिजिटल KYC के जरिए मिनटों में अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। After digitally linking your bank account, आप अपना CKYC करने के साथ साथ फंड हाउस द्वारा required documents भी submit करें। इन apps या websites के जरिए आप अपने investments को track भी कर सकते हैं
और देख सकते हैं कि आपका फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब आप पूछेंगे ELSS फंड्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। ये भी आसान है, आप SIP या लमसम पेमेंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जहां SIPs में आपको लॉन्ग टर्म में बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिल सकते हैं ऑल थैंक्स टू रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, वहीं लमसम इन्वेस्टमेंट्स कुड कम इन हैंडी एज अ लास्ट मिनट टैक्स सेविंग रिसोर्ट, ताकि आप ATC एग्जेम्पशन बेनिफिट का पूरा फायदा उठा सकें। दैट सेड, यू माइट वांट टू ऑप्ट फॉर SIP मोड एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर एज अ पार्ट ऑफ योर एनुअल टैक्स प्लानिंग एक्सरसाइज। Now that you know the advantages of ELSS, अब ये समझते हैं कि वो कौन से important चीजें हैं जिसके आपको ELSS में invest करने से पहले ध्यान रखने चाहिए। क्योंकि ELSS equity oriented fund है, इसलिए ये काफी risky हो सकता है। You must invest only if you have a high risk tolerance. हालांकि आप ये risk mitigate कर सकते हैं by choosing a fundamentally robust and top rated ELSS fund with a consistent track record and staying invested for a long tenure. The longer you stay invested, the more time your investments might get to absorb volatility risk. Lastly, अगर आपको tax planning या investment strategy बनाने में मदद चाहिए तो किसी certified or neutral financial advisor से consult करना ना भूलें। सही ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट आपको आपके वेल्थ क्रिएशन और टैक्स सेविंग दोनों में मदद कर सकता है। नावी म्यूचुअल फंड काफी सारे स्कीम्स ऑफर करता है। नावी म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर लिस्टेड ऑन ऑल मेजर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स सच एज INDIE मनी, कुवेरा, ग्रो, पेटीएम मनी, कोटक चेरी ग्रो वेल्थ, कॉइन बाय ज़ेरोधा, MF यूटिलिटी एंड मोर फॉर इन्वेस्टिंग अंडर डायरेक्ट प्लान। टू नो द डिटेल्स डू चेक आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब टू आवर नावी YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।